हेलो एवरीवन आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज और न्यू स्किल्स पर फोकस कर रहे होंगे आज हम अपना टॉपिक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं टैक्सेशन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टैक्स क्या होता है टैक्स कब शुरू हुआ कैसे शुरू हुआ और क्या क्या करेक्टर होती हैं इसके बारे में आज जानकारी हम लेंगे तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए वॉट इज टैक्स टैक्स क्या है इन सिंपल मीनिंग टैक्स क्या है एक कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सोसाइटी है आप जो सोसाइटी में रह रहे हैं उसमें रहने के लिए आप जो कॉस्ट पे कर रहे हैं उसे टैक्स कहते हैं हिंदी में जिसको क्या बोलते हैं कर और ये कौन लगाता है लगा लेविड बाय गवर्नमेंट टू मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर्स ऑफ द सोसाइटी इन सिंपल मीनिंग टैक्स एक फाइनेंशियल चार्ज है किसकी तरफ से लगता है गवर्नमेंट की तरफ से लगता है क्यों लगता है ताकि वो अपने कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर्स जो है जो वो सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट करती है वो उसको मीट कर सके क्योंकि भाई ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर्स करने के लिए रेवेन्यू की नीड होती है वो रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास कहाँ से आता है टैक्स से आता है गवर्नमेंट के रेवेन्यू का फर्स्ट सोर्स है टैक्सेशन कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जो गवर्नमेंट अपने कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं जो गवर्नमेंट रेवेन्यू जो टैक्सेशन से पूरे करती है उसमें ये कुछ खर्चे हैं जिनकी लिस्ट यहाँ मैंने दी है आपको फर्स्ट डिफेंस आपका जो भी आर्म इंडियन आर्मी के या आपके जो भी तीन फोर्सेस हैं तीनों फोर्सेस के जो भी खर्चे उठ, उठते हैं या पुलिस के हैं डिफेंस बेसिकली आपकी रक्षा के लिए जितने भी खर्चे गवर्नमेंट कर रही है वो एक टैक्स के अमाउंट से ही कर रही है सेकेंड आपका इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ एंड पब्लिक ऑर्डर्स जो भी पब्लिक ऑर्डर्स निकलते हैं जो भी इन्फोर्समेंट और लॉ के लिए जो भी खर्चे गवर्नमेंट कर रही है भाई पुलिस है ट्रैफिक पुलिस है जो भी है ठीक है ऑफिसर्स बैठे हैं सभी लोग हैं उन सबकी जो सैलरी निकलती है वो आपके टैक्स के पेमेंट से निकलती है थर्ड आपका होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक रोड्स डैम्स जो आप यूज करते हैं उन पर भी जो टैक्स लगता है वो क्या है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स है इकोनॉमिक क्यों बोल रहे हैं क्योंकि आप उनको यूज करने के लिए उनके लिए हम पेमेंट करते हैं टोल्स पेमेंट करते हैं आप ठीक है और उनके जो उनसे जो रेवेन्यू होता है वो गवर्नमेंट के पास जाता है गवर्नमेंट उस रेवेन्यू को फिर से आपके ऊपर खर्च करती है एजुकेशन सिस्टम स्कूल्स बनते हैं है ना आपके स्कूल्स प्राइमरी स्कूल्स हैं आपके राजकीय स्कूल्स हैं जो भी हैं जिसमें जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं गवर्नमेंट जो भी खर्चा करती है एजुकेशन पर हेल्थ केयर सिस्टम पर हॉस्पिटल्स बनाती है गवर्नमेंट पेंशन फॉर एल्डरली जो वृद्ध लोगों के लिए पेंशन पेमेंट होता है वो भी आपके टैक्स के अमाउंट से पेमेंट होता है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है आपका ट्रेन है और आपके रोडवेजेस हैं ये सभी जो है इन सबके लिए भी ऑब्वियसली पेमेंट की नीड होती है एनर्जी वाटर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम और अदर को, कोई भी कॉमन पब्लिक यूटिलिटीज है जैसे नॉर्मली स्वच्छ भारत अभियान चलता है चला हुआ है और या आपका टॉयलेट्स बन रहे हैं तो ये सब क्या है गवर्नमेंट से पेमेंट कर रही है या गवर्नमेंट ने अभी कोविड के टाइम पे फाइव थाउजेंड रुपीज सभी को देने के लिए वादा किया था जो उनको पेमेंट मिला भी पब्लिक को तो ये सब क्या है ये पेमेंट आ कहाँ से रहा है तो ये सारा पेमेंट कहाँ से आ रहा है उस टैक्स के अमाउंट से आ रहा है जो हम लोग पे करते हैं ठीक है लेकिन अब ये बात करते हैं कि टैक्स स्टार्ट कैसे हुआ ऐसा क्यों हुआ कि हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है तो देखिए टैक्स का सिस्टम हमेशा से चलता आ रहा है बट हम उसको बस कह सकते हैं कि पहले उसको टैक्स नहीं बोला करते थे ठीक है कैसे होता था एंशियंट टाइम में लोग अपने राजाओं को अपने सरदारों को अपने इनकम का में से थोड़ा सा पेमेंट चाहे वो एज अ मनी हो चाहे वो एज अ गुड्स हो मतलब वो सामान भी दिया करते थे और उसके बदले उनकी उनकी रक्षा की जाती थी विदेशियों से यही कह सकते हैं दूसरे राज्य के लोगों से उनकी रक्षा की जाती थी युद्ध में उनकी रक्षा की जाती थी ठीक है तो अगर हम ये माने कि टाइम में जो टैक्स सिस्टम चलता था वो सिर्फ इसलिए चलता था ताकि राजा लोग जो सरदार हो वो उनकी रक्षा कर सके फिर धीरे धीरे मीडिया सेंचुरीज आई मध्यकालीन वर्ग आया उसमें उस क्या था उस टाइम पर थोड़ी सी और चेंजेस हुए टैक्सेशन सिस्टम में उन अब क्या होने लगा कि आप अपनी रक्षा के लिए तो राजाओं को टैक्स दे ही रहे थे अब आप रोड्स यूज करने के लिए आप अपना ब्रिजेस यूज करने के लिए आप पानी पीने के लिए और या ये कह सकते हैं कि आप नॉर्मली डिफेंस का तो शुरू से था कि डिफेंस में तो आपका मतलब लोगों की रक्षा के लिए तो राजा कर लिया ही करते थे तो, तो बेसिकली जो स्टार्टिंग में केवल रक्षा के लिए था बाद में रोड्स को व्यवसाय करने के लिए मतलब बिजनेस करने के लिए राजा लोग क्या लेने लगे टैक्सेस लेने लगे जिसको हिंदी में कर बोला करते थे पहले ठीक है फिर धीरे 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 क्या हुआ ने होने लगा और डेवलपमेंट हुआ मॉडर्न टाइम आ गया जो आज का टाइम है अब क्या हो रहा है जो मैंने अभी आपको बताया इन सभी के लिए क्या होते हैं आप गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं तो क्या हुआ जैसे एंशियंट टाइम में लोग सामान भी दिया करते थे बट मीडियवल टाइम से क्या हुआ कि क्योंकि उस टाइम मुद्रा यूज होने लगी मनी यूज होने लगा तो तब क्या होने लगा कि राजा लोग भी प्रेफर करने लगे और लोग भी ये सोचने लगे कि सामान देने से बेटर क्या लगता था उनको उनको ये लगता था कि वो मनी दे दें इट मीन्स मेडिवल टाइम से ये शुरू हो गया कि हम सामान नहीं देंगे कर की जगह कर में हम सिर्फ और सिर्फ मुद्राएं दिया करेंगे मनी दिया करेंगे मॉडर्न टाइम में भी ऑब्वियसली आप तो आप जानते हैं कि अब टैक्स में क्या पेमेंट करते हैं मनी पे करते हैं ठीक है तो जो स्टार्टिंग से चला था कि भाई केवल रक्षा के लिए टैक्स हम टैक्स लिया करेंगे फिर धीरे 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 आप रोड्स यूज कर रहे हैं जो भी यूज कर रहे हैं और अब तो अपने हर खर्चे के लिए आपको अपना थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट को देना होता है तो बेसिकली अगर हम माने कि आज के टाइम में अगर हम टैक्स को माने तो टैक्स क्या है आज के टाइम में टैक्स एक ड्यूटी है जो आप गवर्नमेंट को पे करते हैं ठीक है ये सोचकर कि वो आपकी एक ड्यूटी है कि आप गवर्नमेंट को कुछ पेमेंट दे दें ताकि गवर्नमेंट वो खर्चा वापस आपके ऊपर कर सके ठीक है आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं टैक्सेशन के तो फर्स्ट वही जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है वो तो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का फर्स्ट एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो हमेशा चलता आ रहा है वो रेवेन्यू है आय गवर्नमेंट की आय कहाँ से होगी ठीक है और उस आय को वो कहाँ कहाँ खर्च करती है वो मैंने आपको बता दिया सेकेंड आपका होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इनकम तो गवर्नमेंट क्या करती है गवर्नमेंट क्या कर रही है गवर्नमेंट आप लोगों से इनकम गेन कर रही है इनकम ले रही है आपसे मतलब जो टैक्स पेयर्स है उनसे इनकम ले रही है तो होता क्या है कि क्योंकि प्रोग्रेशन सिस्टम चलता है उसमें क्या होता है जो अमीर लोग होते हैं वो ज्यादा टैक्स पे करते हैं और ठीक है थीके? और जो धीरे धीरे जो मतलब एज सॉरी इनकम वाइज टैक्स पे होता है ठीक है तो उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है अमीर लोगों से ज्यादा टैक्स लेकर वो गरीबों पर खर्च करती है ठीक है पुअर क्लास पे खर्च हो रहा है तो इसमें क्या होता है कि थोड़ी सी समानता लाने की कोशिश की जा रही है ताकि अमीर ज्यादा अमीर ना होता जाए और गरीब ज्यादा गरीब ना होता जाए आप जानते भी हैं कि नॉर्मली सरकार क्या करती है कि गरीबों के लिए योजनाएं निकालती रहती है तो वो कहाँ से पेमेंट आता है वो सब वो टैक्स के पेमेंट से ही सारा काम होता है बेसिकली हम उसको सोशल वेलफेयर कह सकते हैं ठीक है सोशल वेलफेयर में बहुत सारे काम होते हैं पार्क्स बनते हैं आपके या वही शौचालय वाली बात मैंने आपको बताई थी पब्लिक टॉयलेट्स बनते हैं ठीक है ये सब सोशल वेलफेयर में आते हैं या जो भी योजनाएं आती हैं या मान लीजिए बाढ़ आई बाढ़ में भाई लोगों के लोगों का बहुत नुकसान होता है कुछ लोगों के परिवार तक उजड़ जाते हैं तो उस केस में गवर्नमेंट जो भी इनाम घोषित करती है जो भी सहायता घोषित करती है वो सब सोशल वेलफेयर में आता है सेफ्टी ऑफ द सोसाइटी फ्रॉम बैड एंड इंजूरियस कस्टम्स इट मीन नॉर्मली हमने वो डिफेंस की बात हमने की थी नॉर्मली क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव होता है वो डिफेंस का ही होता है बट यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर हम ऐसी चीजों के लिए बात कर रहे हैं जो नॉर्मली लोग उसको यूज करते हैं ये जानते हुए भी कि वो बुरी है जैसे टबैको है एल्कोहल है आप जानते हैं कि वो बुरा है बट आप फिर भी उसको कंज्यूम करते हैं तो गवर्नमेंट इस पर हाइस्ट टैक्स रेट लगाती है टैको पर एल्कोहल पर हाईएस्ट टैक्स रेट्स हैं ताकि आप उसको यूज कम करें ठीक है बट ऐसा होता तो है नहीं उल्टा गवर्नमेंट को रेवेन्यू ही मिल रहा है उसके लिए फिर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री तो क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है गवर्नमेंट रेवेन्यू गेन करके रेवेन्यू आपसे ले रही है टैक्स से रेवेन्यू कमा रही है और आप लोगों पे खर्च कर रही है रोड्स बना रही है रोड्स बनती हैं तो क्या होता है आपने जो बिजनेस में ट्रांसपोर्टेशन में आपको आराम मिलता है ठीक है सपोज करते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लीजिए आपको आप दूध का व्यापार है आपका आप दूध इधर उधर लेके जाते हैं तो पहले क्या होता था रोड्स बहुत खराब होती थी तो जाने में टाइम लगता था मान लीजिए आपका जो भी शॉर्ट ड्यूरेशन शॉर्ट ड्यूरेबल सामान जो होता है वो खराब हो जाता है ठीक है लेकिन अब क्या क्योंकि रोड बहुत बढ़िया बन गई है ट्रांसपोर्टेशन के बहुत अच्छा काम होने लगा है तो अब क्या हो रहा लगा है हम कुछ ही घंटों में समान जगह से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाते हैं तो उसमें क्या हो गया हमारा डिमांड इंक्रीज हो गई हमारा एरिया इंक्रीज हो गया बिजनेस का ठीक है जिससे क्या होगा हमारी इनकम ज्यादा होगी अब हमारी इनकम ज्यादा होगी तो हम गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा दे पाएंगे और उल्टा गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू ज्यादा आने लगा फिर गवर्नमेंट उस रेवेन्यू को कहीं और अच्छे से खर्च करेगी तो इससे क्या हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है क्योंकि गवर्नमेंट की नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है नेक्स्ट है आपका इनफोर्सिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज अब गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करते हैं गवर्नमेंट जो भी नई नई पॉलिसीज निकालती है चाहे वो एक्सपोर्टेशन से रिलेटेड हो इम्पोर्ट से रिलेटेड हो आपकी जो भी आपकी सहायता के लिए गवर्नमेंट जो भी वो निकाल रही है के मतलब पॉलिसीज निकाल रही है वो सब आपकी हेल्प के लिए निकाल रही है तो उसमें क्या होगा भाई उसके लिए भी क्या है गवर्नमेंट को ऑब्वियसली रेवेन्यू की नीड होती है तो वो भी पैसे कहाँ से, से आते हैं टैक्स से आते हैं देन डायरेक्टिंग लिमिटेड इन टू इफेक्टिव एंड एसेंशियल चैनल्स भाई आप ये जानते हैं कि रिसोर्सेज हमेशा कम ही होते हैं मतलब ऑब्वियसली हम ये नहीं मान सकते रिसोर्सेज बहुत सारे होते हैं नहीं रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं अब उन लिमिटेड रिसोर्सेज को हमें बहुत समझ से खर्च करना होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है गवर्नमेंट क्या करती है गवर्नमेंट ऐसा काम करती है ताकि ऐसी पॉलिसीज बनाती है या मान लीजिए गवर्नमेंट को लगता है कि हमें इस रिसोर्स को हमें यहाँ यूज करना चाहिए और यहाँ यूज नहीं कर, यहां कम यूज करेंगे तब भी चलेगा ठीक है तो जहाँ उन रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए गवर्नमेंट क्या करती है उन रिसोर्सिस पर या उन इंडस्ट्रीज पर टैक्स रेट कम लगाती है ताकि लोग उस टाइप की इंडस्ट्रीज ओपन करें उस टाइप का सामान प्रोडक्ट करें ठीक है उस टाइप का प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा वो रिसोर्सेज सही जगह यूज हो रहे हैं इफेक्टिव वे में यूज हो रहे हैं और जहां उन रिसोर्सेज को यूज नहीं होना चाहिए वहां पर वो गवर्नमेंट क्या करती है टैक्स रेट ज्यादा लगाती है ठीक है अब उससे क्या हुआ कि वहां जहां पर उन रिसोर्सेज को गल, गलत यूज हो रहा था वहां पर वो यूज होना कम हो जाएगा तो इससे क्या हुआ गवर्नमेंट ने रिसोर्सेज को अच्छे से इफेक्टिव वे में यूज करने की कोशिश की बाय द टैक्स रेट ठीक है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगर सारी चीजें ठीक रहेंगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगी कंट्री में कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहेगी कम से कम स्टेबिलिटी रहेगी हम ये कह सकते हैं डाउन नहीं जाएगी ठीक है आई होप आपको समझ में आ रहा होगा नेक्स्ट बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेस टैक्सिस के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं टैक्स हमें कैसे पता लगेगा कि ये टैक्स है तो फर्स्ट क्या है टैक्स कंपल्सरी है ठीक है कंपल्सरी जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए टैक्स जो है वो कंपल्सरी है कि टैक्स पे करना ही करना है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर टैक्स पे नहीं किया तो वो पनिशेबल बाय लॉ है देन इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू बियर शेयर फॉर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट सिंपल सा मतलब है कि टैक्स क्या है एवरी सिटीजन की ड्यूटी है कि वो अपना शेयर जो भी उसका बैठता है टैक्स का गवर्नमेंट को दे फॉर सपोर्टिंग ठीक है ताकि गवर्नमेंट को सपोर्ट मिले गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर्स कर रही है उसके लिए पेमेंट उसको कहीं और से बोरो ना करना पड़े ठीक है उसके पास अपना रेवेन्यू हो जैसे होता है ना कि हम अपनी इनकम से खर्च कर रहे हैं वो अलग बात होती है और हम किसी से बोरो करके खर्च कर रहे हैं वो अलग बात होती है क्योंकि ऑब्वियसली बोरिंग्स को वापस तो करना पड़ेगा ठीक है तो गवर्नमेंट आई नो की बोरिंग्स लेती है आप भी ये बात जानते हैं गवर्नमेंट बोरिंग्स लेती है बट उसको तो तो वापस भी करना पड़ता है तो इससे बेटर ये है कि हम अपने लोगों से हेल्प ले लें ठीक है इट इज फॉर द पब्लिक वेलफेयर ठीक है ऑब्वियसली बात है पब्लिक वेलफेयर के लिए खर्च होता है टैक्स जो होता है अब ऐसा नहीं कह सकते कि भाई मैंने अगर सौ रुपए गवर्नमेंट को एज अ टैक्स दिए है तो गवर्नमेंट मुझे सौ रुपए का बेनिफिट भी दे ऐसा नहीं है या रिच क्लास जो है वो एक लाख रुपए का अगर टैक्स पे कर रहे हैं तो उनको जरूरी नहीं है कि एक लाख रुपए का ही बेनिफिट मिलेगा तो इसी के लिए फोर्थ पॉइंट बिल्कुल प्रूफ होता है कि ये क्या है देर इज नो डायरेक्ट बेनिफिट इट मीन यहाँ पर कोई भी कॉस्ट ऑफ बेनिफिट नहीं है हम ये नहीं कह रहे कि हमें इतने का बेनिफिट मिल रहा है तो हम इतनी ही कॉस्ट देंगे हम इतनी ही पेमेंट करेंगे नहीं ऐसा नहीं है ठीक है तो यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है सब कुछ जो होता है पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है सबके लिए एक जैसा होता है ओनली द गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेवी द टैक्स तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो टैक्स लगा सकती है अदरवाइज किसी भी प्राइवेट संस्था के पास ऐसा कोई भी ऑथराइजेशन uh, नहीं है कि वो टैक्स लेवी करे इट इज द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द इट इज फॉर द इकोम कंट्री तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टैक्सिस क्यों होते हैं ताकि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके ठीक है आगे बढ़ते हैं अब हम बात कर रहे हैं कि एक गुड टैक्सेशन सिस्टम में क्या क्या पॉइंट होने चाहिए क्या क्या ऐसा फीचर होना चाहिए कि ताकि एक टैक्सेशन सिस्टम किसी के ऊपर बर्डन ना बने तो फर्स्ट है इसमें इक्विटी इक्विटी का मतलब होता है कि सभी के लिए समान टैक्स रेट होना चाहिए ऐसा ना हो कि हम किसी से बहुत ज्यादा टैक्स ले रहे हैं किसी से बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं मतलब किसी को ये ना लगे कि मैं तो टैक्स दे रहा हूँ ये नहीं दे रहा मतलब समानता वाली बात होनी चाहिए नेक्स्ट होता है सर्टेनिटी सर्टेनिटी मीन्स निश्चितता टैक्स पेयर को ये पता होना चाहिए कि कितना टैक्स उसको देना है कब देना है उसके लिए ये चीज कन्वीनियंट होनी चाहिए है ना मतलब फिलहाल हम कन्वीनियंस इन दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं सर्टेनिटी का मतलब होता है कि टैक्स कितना पे करना है कब पे करना है कैसे पे करना है और जो जितना पे करना है उसकी अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी है ये सारी चीजें अगर टैक्स पेयर को पता होंगी तो उसके लिए सारी चीज निश्चित होंगी मतलब सर्टेनिटी होगी उसको पहले से पता होगा ये सारी चीजें तो वो इजीली टैक्स को कैलकुलेट कर सकता है इजीली पे कर सकता है अदरवाइज उसको बर्डन लगने लगेगा ठीक है किसी को आगे हम कह सकते हैं कन्वीनियंट होना चाहिए क्यों होना चाहिए भाई कन्वीनियंट होना चाहिए भाई ताकि टैक्स लेना और देना मतलब टैक्स पेयर के लिए भी कन्वीनियंट होना चाहिए और जो टैक्स कलेक्टर है उसके लिए भी कन्वीनियंट होना चाहिए ऐसा ना हो कि धक्के मारे खा रहे हैं जैसे स्टार्टिंग में होता था पहले होता था कि भाई जो टैक्स पेयर है खुद टैक्स देने जा रहा है ठीक है फिर धीरे धीरे उनमें क्या होने लगे मीडिएटर्स आने लगे ठीक है और अब क्या है आप तो डायरेक्टली क्या होना है आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं टैक्स का सबसे कन्वीनियंट हो गया आप तो ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमी इकोनॉमी का मतलब वही खर्च लेने देने में खर्च नहीं होना चाहिए ज्यादा सस्ता रहना चाहिए ऐसा ना हो कि टैक्स बहुत ज्यादा हो है ना या टैक्स देने के लिए हमें खर्चा बहुत ज्यादा करने जाना पड़ रहा है वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए रीडिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है आपका कि जो भी टैक्स आपने मतलब जो भी टैक्स पे होता है उसमें क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया समानता वाली बात आनी चाहिए रिच टू पुअर वाली बात ठीक है मतलब रिच से हम ज्यादा टैक्स लेकर हम क्या कर रहे हैं पुअर्स के लिए पॉलिसीज बना रहे हैं उनको वो टैक्स के अमाउंट से उनको हेल्प कर रहे हैं फ्लेक्सिबल होना चाहिए मतलब अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इस साल उसको ज्यादा टैक्स की जरूरत पड़ेगी तो वो उसको टैक्स चार्जेस को बढ़ा सके और उनको कम भी कर सके मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ऐसा ना हो कि जो बन गया जो बन गया इसको चेंजेस नहीं कर सकते वो नहीं होना चाहिए नो डिस्करेज वर्क और इन्वेस्टमेंट इट मीन्स देखिए हम टैक्स कैसे देते हैं भाई अगर हम इनकम करेंगे तभी तो हम टैक्स देंगे ठीक है अब सपोज करते हैं कि मान लीजिए कि मेरे मैंने सौ रुपए रुपए कमाने में मुझसे गवर्नमेंट ने कहा कि मुझे टेन परसेंट टैक्स देना है ठीक है मैं सही है सौ रुपए मुझे दस रुपए टैक्स देना है मैं दे दूंगी नाइन्टी रुपीज तो मेरे अपने है ना ठीक है अब वो नाइन्टी रुपीज मेरे अपने हैं वो मैंने खर्च कर लगी ठीक है अब सपोज करते हैं गवर्नमेंट हो है, कहे भैया पचास रुपये मुझे टैक्स देकर जाओ फिफ्टी परसेंट टैक्स हमें दो तो हमें वो बर्डन लगने लगेगा हम कहेंगे हम तो इतनी मेहनत करें फिफ्टी परसेंट टैक्स हम दे गवर्नमेंट को हमारे लिए क्या बचा हम सेविंग्स क्या करेंगे ठीक है या फिर हमने जो सेविंग्स की हम उसको इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे भाई क्योंकि मान लीजिए अगर टैक्स रेट बहुत ज्यादा होगा तो हमारे पास सेविंग के लिए बचेगा ही नहीं और सेविंग के लिए नहीं बचेगा तो हम आगे उसको इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे आगे हम उसको इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारी फिर से इनकम नहीं होगी भाई ये साइकिल चलता है ना ठीक है वो तो साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो इसीलिए गुड टैक्सेशन सिस्टम में ये डिस्करेज नहीं आना चाहिए इतना टैक्स रेट हाई नहीं नहीं होना चाहिए कि लोगों में ये डिस्करेज आ जाए कि वो काम ही ना करें ठीक है आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेस टैक्स टैक्सेस कितने टाइप्स के होते हैं दो टाइप के डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स अब दोनों में डिफरेंस क्या है डायरेक्ट टैक्स तो वो टैक्सेस होते हैं जो कि डायरेक्टली इनकम या फिर वेल्थ पर लगते हैं किसी पर्सन ठीक है और जो टैक्स लगेगा वो उसी पर्सन की इनकम पे लगेगा उसी पर्सन की वेल्थ पर लगेगा और वो खुद ही पे करेगा उसकी जगह कोई और पे नहीं करेगा वो अपने टैक्स बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकता यानी कि किसी और पे वो उसको शिफ्ट नहीं कर पाएगा इनडायरेक्ट टैक्स इसका उल्टा होता है वो बर्डन को शिफ्ट करते रहते हैं क्यों क्योंकि वो जो लगता है वो प्राइस ऑफ गुड्स और, और सर्विसेज पर लगता है इनडायरेक्ट टैक्स जो आप जानते हैं जीएसटी आजकल चल रहा है जीएसटी लगता है वो उसमें क्या होता है जो मैन्युफैक्चरर ने जो टैक्स दिया वो आगे वाले होलसेलर से ले लेगा होलसेलर ले ने जो टैक्स पे किया वो रिटेलर से ले लेगा ले रिटेलर ने जो टैक्स पे किया वो कंज्यूमर से ले लेगा ले इट मीनस वहां पर टैक्स शिफ्ट होते होते कहाँ तक पहुंच जाता है कंज्यूमर तक पहुंच पाता है कंज्यूमर एट दी एंड बर्डन झेलता है उसका ठीक है अब डायरेक्ट टैक्स में दो तरीके के टैक्सेस होते हैं एक तो इनकम टैक्स होता है और दूसरा होता है टैक्स ऑन फॉरेन इनकम इनकम एंड यानी कि कि ऐसी और जो कहीं भी नहीं की गई उन पे जो टैक्स होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है ठीक है इनडायरेक्ट टैक्स दो टाइप के होते हैं पहले बहुत सारे टाइप इसमें आते थे बट फिलहाल अब क्या रहा है सारे मिलाकर मर्ज करके जीएसटी बना दिया गया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी अलग ही है अभी वो अलग चलता है ओके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की बात कर लेते हैं डायरेक्ट टैक्स की मैरिट्स में इक्विटी है समानता की बात करता है डायरेक्ट टैक्स ठीक है जो भी मैंने आपको बताया इलास्टिसिटी है लोचदार फ्लेक्सिबल है कभी भी चेंजेस हम कर सकते हैं उसमें प्रोडक्टिविटी की बात यहाँ पर आती है क्यों हम बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स प्रोडक्टिव होता है क्योंकि रेवेन्यू होता है ठीक है डायरेक्ट रेवेन्यू हो रहा है तो उससे क्या हुआ गवर्नमेंट उसको इजिली खर्च कर पाती है सर्टेनिटी मैंने बताया आपको टैक्स रेट सारे डिसाइडेड है इजिली टैक्स uh, पेयर को भी पता है कि उसको uh, साल के पहले में ही बजट आ जाता है कि वेल्थ uh, और जो इनकम हो रही है वो रिच टू पुअर क्लास में इक्वली डिवाइड करने की कोशिश की जाती है नेक्स्ट गुड इंस्ट्रूमेंट इन केस ऑफ इन्फ्लेशन इट मीन्स इन्फ्लेशन के टाइम पर क्या होता है इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि महंगाई बढ़ रही होती है आपको सिंपल आपको पता है कि इन्फ्लेशन होता होता है महंगाई बढ़ रही है इसका मतलब क्या होता है भाई आप अगर डिमांड मार्केट में बढ़ाएंगे सामान की आपने कॉल भाई प्रोडक्शन उतना ही है लेकिन आपने डिमांड इंक्रीज कर दी तो क्या होगा उसकी वजह से सामान ज्यादा भाई क्योंकि इतनी उतनी सप्लाई तो उतनी है डिमांड बढ़ गई तो क्या होगा सामान महंगा होने लगेगा ठीक है इसकी इसमें गवर्नमेंट क्या करती है डायरेक्ट टैक्स में वो टैक्स के रेट्स बढ़ा देती है टैक्स की अगर रेट्स बढ़ जाएंगे तो उसमें क्या होगा अगर टैक्स रेट्स बढ़ गए तो सामान महंगा हो गया अब सामान महंगा हो गया तो आप डिमांड घटा देंगे ऑब्वियसली महंगा सामान नहीं खरीदना चाहेंगे तो उसकी डिमांड कुछ घट जाती है तो इससे क्या होता है इन्फ्लेशन में वही अगर डिमांड घट जाएगी तो ऑब्वियसली प्राइस भी कम हो जाते हैं सिंपलिसिटी है डायरेक्ट टैक्स ऑब्वियसली सिंपल है, है ज्यादा हार्ड नहीं है ना तो कैलकुलेट करना हार्ड है ना तो और उसको समझना भी थोड़ा आसान ही रहता है ठीक है हम ये नहीं कह सकते हाँ बहुत ज्यादा आसान है बट ठीक है आसान है नेक्स्ट हम बात करते हैं डिमेरिट्स की तो डायरेक्ट टैक्स क्या है एक इवेजन इवेजन है है का मतलब होता कि डायरेक्ट लमसम पेमेंट होता है डायरेक्ट टैक्स का एक साथ अमाउंट जाता है सारा ठीक है अन इकोनॉमिकल है अन इकोनॉमिकल का मतलब होता है कि एक्सपेंसेस मतलब जो होते हैं कलेक्शन की वो डायरेक्ट टैक्सेस में ज्यादा होते हैं इन कम्पेरिजन टू इनडायरेक्ट टैक्स ठीक है मतलब हम ये नहीं कह रहे कि डायरेक्ट टैक्स में बहुत ज्यादा खर्चा होता है कलेक्ट करने में नहीं बट इनडायरेक्ट टैक्स में कम खर्चा होता है ठीक है अनपॉपुलर अनपॉपुलर का मतलब ये नहीं कह सकते कि डायरेक्ट टैक्स लोग पे नहीं करना चाहते बट सिंपल इसलिए नॉर्मली अनपॉपुलर इसलिए है डायरेक्ट टैक्स क्योंकि वही लम टर्म अमाउंट जाता है ज्यादा अमाउंट एक साथ जाता है और पब्लिक को ये पता होता है कि वो पेमेंट कर रहे हैं जबकि इन डायरेक्ट टैक्स में उनको ये पता नहीं होता तो इसमें उनको बर्डन नहीं लगता है वो तो इसीलिए डायरेक्ट टैक्स जो है वो अनपॉपुलर है इन कंपेरिजन टू इन टैक्स लिटिल इंसेंटिव टू वर्क एंड सेव वही सेम चीज क्योंकि हमें पता है कि हम इनकम का कितना पार्ट दे रहे हैं तो हमारे लिए सेविंग के लिए पैसे कम बचते हैं ये हम सोचने लगते हैं नो सुटेबल फॉर पुअर कंट्री किसी पुअर कंट्री के लिए डायरेक्ट सुटेबल नहीं होता है तो वहां पे नॉर्मली डायरेक्ट टैक्स नहीं लगाए जाते आर्बिट्रेरी आर्बिट्री का मतलब ड्यू टू एबसेंस ऑफ लॉजिकल या कह सकते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्योंकि यहाँ पर प्रोग्रेशन डिग्री का कोई भी साइंटिफिक रूल नहीं है कि कैसे निकाला जाएगा तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट टैक्स जो है वो आर्बिट्रेरी हो जाता है ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इंडायरेक्ट टैक्स के बारे में इंडायरेक्ट टैक्स की मेरिट्स और डिमेरिट्स की जल्दी जल्दी बातें कर लेते हैं मेरिट्स में क्या आएगा हाई रेवेन्यू प्रोडक्शन होता है अब इसका क्या मतलब है इसका मतलब सिंपल सा इतना है जो मैंने आपको बताया क्योंकि ये कमोडिटीज और सर्विसेज पर लगता है इनडायरेक्ट टैक्स कमोडिटीज भी आप कंजम्पशन कर रहे हैं चाहे वो सर्विस का कर रहे हैं चाहे वो गुड्स का कर रहे हैं उन पर वो लगता है और आप कंजम्पशन रोक नहीं सकते जितनी भी लार्ज लिस्ट है सर्विसेज की जितनी भी लार्ज लिस्ट है आपके गुड्स की सभी पर ईच एंड एवरी थिंग पर इनडायरेक्ट टैक्स लगता है इसीलिए यहाँ पर रेवेन्यू का रेवेन्यू जो है वो ज्यादा होता है नो no इवेजन यहाँ पे इवेजन नहीं है बिल्कुल भी

खर्चा कम होता है वही सेम चीज क्यों हमें पता भी नहीं होता कि हम टैक्स पे कर ही आए हैं वाइड कवरेज वाइड कवरेज का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो सभी को कंप्लीट कर लेता है सभी को कवरेज कवर कर लेता है मैंने आपको बताया जितनी भी लार्ज लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लिस्ट आपकी जो भी है गुड्स की है जो भी सर्विसेज की है उन सभी पर इनडायरेक्ट टैक्स लगता है और हमें पता भी नहीं होता इलास्टिसिटी सिंपल हम उसको चेंजेस कर सकते हैं टैक्स रेट्स में तो इलास्टिक भी है रूल्स एंड रेगुलेशंस टाइम टू टाइम चेंज हो सकते हैं डीमेरिट्स क्या है रिग्रेसिव इन इफेक्ट है रिग्रेसिव हम कैसे मान सकते हैं देखिए जो भी एसेंशियल कम्युनिटीज होती हैं, वो आपको पता है कि वो कम्युनिटी की मतलब कम्युनिटी का होता है जो भी सभी लोग उनको यूज करते हैं पब्लिक में सभी लोग उनको यूज करते हैं तो अगर हम ऐसी कम्युनिटीज पर बर्डन लगाते हैं मतलब टैक्स लगाते हैं बहुत ज्यादा लगाते हैं ठीक है ठीके? और हम इनको जो भी रिच और पुअर में उनको अंतर नहीं समझते क्योंकि हम वहां पे क्या कर रहे हैं हम टैक्स लगा रहे हैं उस कमोडिटी के प्राइस पर अब वो चाहे रिच क्लास उसको यूज करे चाहे पुअर क्लास उसको यूज करे दोनों को सेम रेट पर टैक्स देना पड़ता है तो इसीलिए यहाँ पे ये रिग्रेसिव है जबकि तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है प्रोग्रेसिव होता है क्योंकि रिच क्लास को ज्यादा टैक्स देना होता है और पुअर क्लास को कम देना होता है नेक्स्ट होता है अनसर्टेनिटी इन कलेक्शन अनसर्टेनिटी इन कलेक्शन का मतलब सिंपल क्योंकि ये डिस्करेज करता है सेविंग्स को और इंक्रीज करता है इन्फ्लेशन को तो यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी आ जाती है कलेक्शन के टाइम पर कि नॉर्मली इंडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो पेबल होता है जबकि पीपल अपनी इनकम खर्च करेंगे मतलब हम कुछ खर्च करेंगे कुछ सामान खरीदेंगे तो ही हम टैक्स पे करेंगे अदरवाइज टैक्स पे नहीं होगा इसीलिए यहाँ पे क्या है अनसर्टिनिटी होती है यहाँ पर डिस्करेज सेविंग्स ये सेविंग्स को डिस्करेज करता है वो तो है ही भाई टैक्स को हम पे कर रहे हैं तो थोड़ा सेविंग्स को डिस्करेज करता है भाई मान लीजिए जो चीज हमें सौ रुपए की मिल रही है अगर हमने उस पर दस रुपए का टैक्स लगा दिया तो हम उसको एक सौ दस की हमें खर्च खरीदना पड़ा तो दस रुपए की हमारी सेविंग कम हो जाती है नेक्स्ट होता है इंक्रीज इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन वही अगर वो जो मैंने बताया सौ रुपए की चीज पर दस रुपए टैक्स लगा दिया तो वो तो चीज महंगी हो गई तो ये इन्फ्लेशन को बढ़ाता है ठीक है तो ये थोड़ी सी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था टैक्सेशन का कि टैक्स कैसे काम करता है यहाँ पर हमने अभी इंडिया से रिलेटेड बात नहीं की है सिर्फ हमने इतना बात की है कि टैक्स कैसे काम करता है टैक्स होता क्या है ठीक है हम नेक्स्ट क्लास से अब आगे का टैक्स के बारे में जानेंगे तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी